हेलो फ्रेंड्स, आपका अभी टेक्निकल में स्वागत है और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लाऊं जिसमें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं MIA2 के सारे कन्फर्म स्पेक्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि Xiaomi का MIA2 चाइना में 25 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है, मगर उसके सारी स्पेसिफिकेशन बॉक्स के साथ लीक हो चुकी हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हमें सारी स्पेसिफिकेशन सब पता चल चुकी हैं और आप इस वीडियो को एक फाइनल वीडियो समझिएगा सारी स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड MIA2 के बारे में। और अब आपको एक और वीडियो मिलेगा जो कि होगा लॉन्च डेट के बाद, जिसमें आपको और स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकती है, मगर ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशन लीक हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है ड्रॉइड हॉलिक की वेबसाइट से। तो यहाँ पर जो आप बॉक्स देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पर MI का लोगो देखने को मिलता है और नीचे बड़ा सा 6X लिखा है। अगर हम बॉक्स के पीछे की तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पर फेस अनलॉक का मेन हाईलाइट दिया गया है बॉक्स में, और आपको यहाँ पर वर्टिकल डुअल कैमरास देखने को मिलता है। आपको सेम डिज़ाइन मिलेगा नोट 5 प्रो के जैसे, मगर जो आपको इसमें पूरी मेटल की बॉडी मिलेगी। जो रेडमी नोट 5 प्रो है उसमें टॉप और बॉटम पार्ट्स मेटल के नहीं है, प्लास्टिक के हैं, तो इसमें आपको डिज़ाइन थोड़ा अच्छा देखने को मिल सकता है, थोड़ा स्लिम मिलेगा आपको नोट 5 प्रो से। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसको अगर इन हैंड लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा नोट 5 प्रो से अगर कंपेयर करें, मगर जब ये इंडिया में लॉन्च होगा। और जो यहाँ पर तीसरा लीक आया है, तो हम पहले कैमरे की बात कर रहे थे, तो आपको कैमरे में जो यहाँ पर जो लीक्स आए हैं, यहाँ पर जो सेकेंडरी कैमरा होने वाला है डुअल कैमराज में, उसकी कोई लीक नहीं आई है। मगर जो यहाँ पर लीक्स में मेंशन किया गया है, ऐसा लग रहा है कि दोनों रियर कैमराज 20 मेगापिक्सल के होने वाले हैं और फ्रंट का कैमरा भी 20 मेगापिक्सल का होगा, और आपको फ्रंट और रियर दोनों कैमरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर देखने को मिलेगा। आपको इसमें स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर मिलेगा जो कि अब कन्फर्म हो चुका है, और आपको यहाँ पर टाइप सी पोर्ट मिलेगा, फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगी जो कि और अच्छी बात है। और यहाँ पर बस प्राइस ही लीक नहीं हुई है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लीक हो चुकी हैं। अब चलिए बैटरी की तरफ चलते हैं कि बैटरी के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि इसमें आपको 2910 mAh की बैटरी मिलेगी, मगर मैं आपको बता दूँ वो टेनर सर्टिफिकेशन में एक एरर हो गया था जिसकी वजह से बैटरी मिसप्रिंट हो गई थी, बैटरी की इन्फॉर्मेशन मिसप्रिंट हो गई थी। तो एक्चुअली में जो बैटरी का साइज़ है वो है 3910 mAh की, और वो भी अभी लीक्स के हिसाब से आ रही है, मगर कुछ ऐसी ही न्यूज़ निकल के आई है कि जो टेनर सर्टिफिकेशन में थी वो कुछ प्रिंटिंग एरर या इन्फॉर्मेशन एरर आ गया था, जिसकी वजह से 2910 mAh की बैटरी का इन्फो निकला था। मगर इसको कह रहे हैं कि 3000 mAh की बैटरी आएगी जो कि होगी 3910 mAh की, जो कि और अच्छी बात है, फास्ट चार्जिंग के साथ मिलेगी। और ये कुछ स्पेक्स और फीचर्स थे इस डिवाइस के जो कि आपको देखने को मिलेगा। और इस डिवाइस में कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है, बस ये इसमें एक चीज़ होगी कि आपको इसमें कैमरा बढ़िया मिलने वाला है, और परफॉर्मेंस के मामले में भी अब रेडमी नोट 5 प्रो से आगे होगा, और इसमें आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस तो मिलने वाला ही है। अब ये इसकी बस इंडिया लॉन्च डेट की ही तैयारी हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि लोग अब इसी को परचेज करेंगे। मगर Xiaomi इंडिया भी ऐसा गेम प्ले करेगा इंडिया यूज़र्स के साथ कि वो उसको लॉन्च ही नहीं करेगा, क्योंकि उनको सबसे पहले अपने नोट 5 प्रो की सेल्स को टॉप पे ले जाना है, फिर उसको MIA2 को इंडिया में लॉन्च करेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया डिवाइस होने वाला है, आप देखते हैं कब डिवाइस ये लॉन्च होता है। अब ये सारी कन्फर्म स्पेक्स और फीचर्स थे जो कि डिवाइस के लीक हो चुकी है। सो अभी टेक्निकल की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।